कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी को महीने भर से ज्यादा हो गया है और इन दिनों कपल अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही विक्की कौशल इंदौर में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जहां कटरीना कैफ भी उनके पीछे पीछे पहुंच गई थी। बाद में दोनों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वैसे बता दें कि कटरीना कैफ सिर्फ उम्र में ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के मामले में भी पति विक्की कौशल से बहुत सीनियर है। विक्की कौशल जब एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे तब कटरीना कैफ सुपरस्टार बन चुकी थी। दरअसल विक्की कौशल का एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे सीरियल ये है मोहब्बते में सिमी का रोल करने वाली शीरीन मिर्जा ने शेयर किया है। इस वीडियो में विक्की कौशल किसी थिएटर प्ले की रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। इसमें विक्की कौशल बहुत दुबले पतले भी दिख रहे हैं, यहाँ तक कि पहली नज़र में उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। शीरीन ने यह वीडियो शेयर करते हुए विक्की से माफ़ी भी मांगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फनी है। बता दें कि कटरीना कैफ के करियर की शुरुआत 2003 में बूम फिल्म से हुई थी, हालांकि उन्हें पहचान 2005 में फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से मिली जिसमें उनके साथ सलमान खान थे। वहीं विक्की कौशल की करियर की शुरुआत ही 2012 में फिल्म लव शव ते चिकन खुराना से हुई थी, हालांकि इस फिल्म में उन्हें बहुत छोटा रोल दिया गया था। विक्की को पहचान मिली 2015 में फिल्म मशान से, यानी कि विक्की के करियर की शुरुआत ही तब हुई जब कैटरीना फिल्म इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश एक्टर बन चुकी थी। वहीं उम्र की बात करें तो कैटरीना अपने पति विक्की कौशल से 5 साल बड़ी हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ जल्द ही टाइगर 3 में नजर आएंगी। इस फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग दिल्ली में की जाएगी। इसके अलावा वो डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म मैरी क्रिसमस में काम कर चुकी हैं। वहीं विक्की कौशल फिलहाल सारा अली खान के साथ अनटाइटल फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। जी हाँ, फिलहाल आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।